देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़ और SBN 9 न्यूज़ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। कांग्रेस ने सोमवार को यानी कि आज एक और प्रतिज्ञा का एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर 10 लाख रुपए का मुफ्त सरकारी इलाज लोगों को दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि प्रदेश में सरकार बनने पर अपनी 7 प्रतिज्ञाओं के साथ संकल्प संघ जनता के बीच प्रतिज्ञा यात्राओं को लेकर पहुंचेंगी। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना काल में भी और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा। 10 लाख तक का इलाज सरकारी मुफ्त होगा। आपको बता दें कि बाराबंकी के हरक में बुंदेलखंड की प्रतिज्ञा यात्रा रवाना करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई बड़े ऐलान किए थे। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गेहूं का धान का समर्थन मूल्य 2500 क्विंटल होगा। गन्ना 400 क्विंटल खरीदा जाएगा। बिजली बिल सभी का हाफ होगा। कोरोना काल के बिजली बिल पूरी तरह से माफ होंगे। गरीब लोगों को कोरोना काल में हुई दिक्कतों के दृष्टिगत हर साल 25,000 दिए जाएंगे। 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दिया जाएगा। प्रियंका ने साथ में यह भी कहा, इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन व स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। यूपी चुनाव में इस वक्त क्या चल रहा है क्या नहीं, और ऐसी ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए SBN 9 न्यूज़। धन्यवाद।